नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर की एक रोमांचकारी यात्रा पर लेकर जाएगी। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों, वैसे तो हम सभी अपने रोज की दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं और बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन इन क्रियाओं में बहुत सारी क्रियाएं हमारे पर्यावरण के लिए अनैतिक होती हैं और ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, एक डिवाइन एनर्जी भी है जो हमारी इन हरकतों पे रेगुलर वॉच करती रहती है, और ऐसे ही हमारे वायुमंडल के समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में एक हीरो मौजूद है जिसको हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। ओजोन लेयर एक कवच की तरीके से होती है। ओजोन लेयर ओजोन मॉलिक्यूल से बनी हुई एक वायुमंडलीय छतरी होती है, और ये छतरी हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अगर ये छतरी ना हो दोस्तों, तो हमारी ये पूरी दुनिया बिल्कुल अलग हो जाएगी, जिसमें तरह तरह की बीमारियां देखने को मिलेंगी, जैसे कि सनबर्न्स, स्किन कैंसर, कैटरैक्ट्स, इवन जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलेंगे। और इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से संपूर्ण जीव जगत भी अस्त व्यस्त हो सकता है। जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया है, तब से मनुष्य ने तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए थे, और इन प्रोडक्ट्स में कई हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका था। लेकिन दोस्तों, 1970 के दशक में एक काला मोड़ आता है, जब मनुष्य ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC जैसे खतरनाक रसायन को एटमॉस्फेयर में छोड़ना शुरू कर दिया। CFC जब एटमॉस्फेयर में ऊपर उठी, तब यह ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करने लगी, ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने लगी, जिससे कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन शुरू हो चुका। दुनिया ओजोन लेयर के इस डिप्लीशन से अनभिज्ञ थी, लेकिन दोस्तों 1980 के दशक में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट जिनका नाम है जेसी फॉरमैन, उन्होंने अंटार्कटिका में डेटा कलेक्ट किया और पाया कि हमारी ओजोन लेयर डिप्लेट हो रही है, यानी कि जो ओजोन लेयर की चौड़ाई है वो कम हो गई है। जेसी फॉरमैन के डेटा ने नासा तक को भी चौंका दिया, क्योंकि नासा भी कॉन्फिडेंट था अपने सैटेलाइट्स को लेकर। लेकिन जब जेसी फॉरमैन के डेटा को समझा गया, पढ़ा गया, तब नासा ने जेसी फॉरमैन के डेटा को सही पाया, और तब से ओजोन डिप्लीशन एक वैश्विक संकट बन गया, जिसने हमें कुछ सोचने और करने के लिए प्रेरित किया। दुनिया ने क्या किया इसके बारे में वो जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं ओजोन लेयर के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारी लेयर्स होती हैं, इन्हीं में से एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर की। स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है, और ओजोन लेयर ओजोन मॉलिक्यूल से बनी होती है। ओजोन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होता है। सन की जो यूवी रेज की जो एनर्जी है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करती है, उनमें से एक एटम निकलता है, और वो एटम ऑक्सीजन के दूसरे एटम के साथ हिट करता है और उसके साथ एक बॉन्डिंग बनाता है, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन के 3 एटम हो जाते हैं, जिसको हम O3 बोलते हैं, यानी कि ओजोन। और कभी कभी यूवी रेज की एनर्जी ओजोन मॉलिक्यूल को भी ब्रेक करती है, जिससे ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन फिर से ब्रेक होता है और ओजोन का निर्माण होता है। इस तरीके से ये रेगुलर मैकेनिज्म हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में चलता रहता है, और ये रेगुलर मैकेनिज्म अल्ट्रावायलेट रेज की खतरनाक एनर्जी को वहीं पे यूज कर लेता है, धरती तक पहुंचने नहीं देती है और हमको बहुत सारे नुकसान से बचा लेती है। और अब बात करते हैं कि इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए दुनिया ने काम क्या किया। दोस्तों, ओजोन डिप्लीशन से पूरी दुनिया चिंतित हो गई थी, और इस चिंता को दूर करने के लिए ही कनाडा के मॉन्ट्रियल में लगभग पूरी दुनिया के देश इकट्ठा होते हैं और वहां पे डिस्कशन की जाती है, और इस डिस्कशन में एक प्रोटोकॉल सेट किया जाता है जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोला जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को फाइनलाइज किया जाता है, उस पे हस्ताक्षर किए जाते हैं, तभी से 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाने लगा। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में देशों ने आपस में समझौता किया कि भाई अब हम CFC के सब्स्टिट्यूशन को ढूंढेंगे, CFC जैसे खतरनाक रसायन को एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से रोकेंगे ताकि एटमॉस्फेयर को बचाया जा सके। और तब से वैज्ञानिक लोगों ने भी काम करना शुरू किया, उन्होंने CFC के सब्स्टिट्यूशन को ढूंढना शुरू किया, और खुशी की बात आज ये है कि ओजोन लेयर अब सुधर रही है, बिकॉज हमने काफी हद तक CFC के रिलीज में सुधार कर लिया है। और अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, अंटार्कटिका में मिलने वाले ओजोन होल की। लेकिन इसको समझने से पहले हमें एटमॉस्फेरिक विंड कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा। आप सबको पता है कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर की एयर को गर्म करती हैं, और गर्म हवा ऊपर उड़ती है, उसकी जगह ठंडी हवा लेती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अर्थ जो है अपने एक्सिस के अराउंड में रोटेट भी करती रहती है, और ये जो रोटेशनल स्पीड है वो इक्वेटर पे ज्यादा होती है, और इस स्पीड की वजह से जो पॉल्यूटेड हवा होती है वो पोलर रीजन की तरफ भागती है, और पोलर रीजन में एक पोलर वर्टेक्स क्रिएट करती है।
ये पोलर वर्टेक्स पोलर रीजन के आसपास बना रहता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम अंटार्कटिका रीजन के एटमॉस्फेयर को समझते हैं। देखिए आप सबको मैं बता दूं कि अंटार्कटिका रीजन पे लगभग 3 महीने अक्टूबर से दिसंबर तक, इन 3 महीनों में सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाती हैं, यानी कि पूरा अंटार्कटिका रीजन डार्क रहता है और ऐसे में पूरा अंटार्कटिका काफी ठंडा हो जाता है, जिसका तापमान लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस ठंडे वातावरण में उस एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रेटोस्फीयर है, उस स्ट्रेटोस्फीयर के पास एक पोलर स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड बन जाता है और इस क्लाउड में आइस क्रिस्टल्स पाए जाते हैं और इन्हीं आइस क्रिस्टल्स के साथ पोलर वर्टेक्स में मौजूद पॉल्यूटेड जो हवा है वो रिएक्ट करने लगती है और क्लोरीन ब्रोमीन जैसे हानिकारक पदार्थों को रिलीज करने लगती है। यही क्लोरीन ब्रोमीन ओजोन लेयर को डिप्लेट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अंटार्कटिका रीजन में स्प्रिंग का मौसम आता है, सूर्य की किरणें अंटार्कटिका रीजन पे पड़ने लगती हैं, वहां का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इस तरीके से ओजोन लेयर फिर से अपनी रिकवरी करना शुरू कर देता है। लेकिन इन 3 महीनों में डैमेज इतना ज्यादा हो चुका होता है कि रिकवरी पूरी तरीके से नहीं हो पाती है और वही जो डैमेज होता है उसको हम ओजोन होल के रूप में जानते हैं। इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि ओजोन होल जो है अंटार्कटिका रीजन में सर्दियों के दौरान बढ़ता है और वसंत ऋतु के दौरान घटता है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में ओजोन होल की पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, ओजोन होल किस तरीके से बनता है उसका मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और ओजोन दिवस की शुभकामनाएं।